हेलो फ्रेंड, तो मैं थुरेंद्र सिंह आज इस वीडियो में आपको फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में जानकारी दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के कई टाइप हैं, मगर मैं इस वीडियो में आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो मेरे पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर है, इसका जो मेक है सिक है, और जो इसका जो मॉडल है GL6 है। G6 सीरीज का है और L इसकी जो सेंसिंग रेंज है मोर देन 6 मीटर है। और जो इसका जो कंप्लीट मॉडल है P1211 है। P जो इसके आगे लिखा हुआ है उसका मतलब ये PNP है और इसकी आउटपुट पॉजिटिव है जी। जहाँ N लिखा होता तो इसका मतलब ये NPN होता और इसकी आउटपुट जो है नेगेटिव होती है। ये L और D जो सेंसर के ऊपर देख रहे हैं, इनके साथ एक रोटरी पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज विद द हेल्प ऑफ लाइन टेस्टर एल की तरफ करेंगे तो एल का मतलब ये लाइट है, जो इसकी आउटपुट है नॉर्मली क्लोज्ड होगी। और विद द हेल्प ऑफ लाइन टेस्टर जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये डी की तरफ चलेगा। डी का मतलब है कि डार्क, डार्क का मतलब कि नॉर्मली जो इसकी आउटपुट है वह एनओ आएगी। एल और डी का यही है सिलेक्शन। और इसकी टॉप के ऊपर एक पोटेंशियोमीटर है और रोटरी पोटेंशियोमीटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस और माइनस। ये सेंसिंग रेंज जो है सिलेक्ट करने के लिए है, जो रोटरी पोटेंशियोमीटर इसको भी रोटेट करके सेंसिंग रेंज है अपने अकॉर्डिंग टू जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेंसर है, अभी मैं इसकी कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे बताता हूँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर है। ये ड्यूल लेंस है। ये सामने जो है इसमें डबल लेंस है, एक जो है एमिटर का काम करता है और दूसरा जो रिसीवर का काम करता है। जैसे कि ये सेंसर है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, और ये रिफ्लेक्टर है। सेंसर और रिफ्लेक्टर दोनों यूज होते हैं, इसलिए इसको रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर बोलते हैं। इसका जो मेक है वो सिक है और जो मॉडल है GL6P1211 है। इसकी जो सप्लाई वोल्ट है 10 वोल्ट DC से लेके 30 वोल्ट DC है, और जो इसकी पावर कंजम्पशन है 30 mA है। और जो स्विचिंग आउटपुट है वो जो PNP है, पॉजिटिव आउटपुट है इस सेंसर की। और जो स्विचिंग मोड है वो लाइट कम डार्क है इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं जो स्विचिंग मोड है लाइट कम डार्क है। और जो डिटेक्शन टाइप है वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है, जैसे कि आप देख रहे हो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसमें। और जो इसकी डिटेक्शन रेंज है मोर देन 6 मीटर है। और जो आउटपुट करंट है वो मैक्सिमम जो है लेस देन इक्वल टू 100 mA है। और जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो लेस देन 625 माइक्रो सेकेंड है। और जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। कनेक्शन टाइप इसका केबल है, जैसे कि आप सेंसर के साथ देख रहे हो ये केबल लगी है ये। और ये जो केबल है इसकी जो लेंथ है 2 मीटर होती है। इस केबल में 3 नंबर ऑफ वायर्स है, इसलिए इसको 3 वायर बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कलर इसमें आते हैं, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। जो ब्राउन कलर वायर होती है इसको जो पॉजिटिव 24 वोल्ट DC का देते हैं, ब्लू कलर को 0 वोल्ट देते हैं 24 वोल्ट का। और जो ब्लैक कलर वायर है इसकी जो आउटपुट होती है सेंसर की, जो यदि PNP है तो इसकी पॉजिटिव आउटपुट जो आएगी। और जो एम्बिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग यूज़ कर सकते हो। इसका जो IP लेवल है 67 है। इसका IP लेवल 67 होने के कारण इसको हम लोग वाटर एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो डिटेक्ट करता है ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी सेंस करता है, और लाइट एंड डार्क को भी सेंस करता है, ये लार्ज और स्मॉल को भी। एंड इवन ये जो है सेंसर ये पीपल्स को भी सेंस करता है।
अभी ये आप कनेक्शन डायग्राम दिख रहे हैं, ये पीएनपी सेंसर है, ये केबल है, इसमें 3 नंबर ऑफ वायर्स है, ये ब्राउन ब्लू और ब्लैक है, ये एसएमपीएस है, इसकी ये इनपुट है फेज एंड न्यूट्रल, और ये आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी। जो पॉजिटिव है ब्राउन कलर वायर को कनेक्ट करते हैं, और जो 0 वोल्ट है ब्लू कलर को देते हैं, ये ब्लैक कलर जो आउटपुट है जो पॉजिटिव आती है रिले के पॉजिटिव टर्मिनल पर देते हैं, और जो नेगेटिव है उसको 0 वोल्ट देते हैं 24 वोल्ट डीसी का। इस कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग टू हम लोग जो है वायरिंग करेंगे। अभी हमने उसके अकॉर्डिंग टू वायरिंग किया हुआ है। इस वीडियो में जो टूल्स यूज़ किए हैं, जी एसएमपीएस है, जी इसका इनपुट है फेज एंड न्यूट्रल, और जो आउटपुट है 24 वोल्ट डीसी है, और रेड कलर वायर के पॉजिटिव दिया हुआ है, और ब्लैक कलर को हम लोग जो है नेगेटिव दिया हुआ है। ये टर्मिनल ब्लॉक हमने यूज़ किए है, जो फर्स्ट टर्मिनल उसके पॉजिटिव सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी का रेड कलर वायर के थ्रू, और जो सेकंड टर्मिनल है उसमें नेगेटिव ब्लैक कलर वायर के थ्रू 0 वोल्ट दिया हुआ है। अभी हम लोग चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे हमने नेगेटिव पे लगाई हुई 0 वोल्ट पे लीड, और पॉजिटिव पे लगाएंगे तो पॉजिटिव 24 वोल्ट जैसे कि डिस्प्ले हो रहा सप्लाई है। अभी ये सेंसर की जो ब्राउन कलर वायर है इसको जो पॉजिटिव दिया है, और ब्लू कलर वायर को नेगेटिव है। ये जो सेंसर को सप्लाई मिलते ही ग्रीन कलर जो इंडिकेशन जो है लाइट अप हो जाती है, इसका मतलब जो सेंसर है वो पावर अप हो चुका है। अभी जो आउटपुट है वायर है उस पर हमने कनेक्ट किया है। अभी रिफ्लेक्टर के ऊपर बिल्कुल जब सेंसर के रेड बीम का फोकस बनेगा तो उसके ऊपर जो सेंसर के ऊपर येलो लाइट ब्लिंक होगी, इसका मतलब जो सेंसर है हमारा वो रेडी हो गया है। चलिए अभी देखिए, हमने इसको अभी डी की तरफ सेलेक्ट किया हुआ है। डी का मतलब जो सेंसर है वो नॉर्मली इसकी जो आउटपुट है वो NO रहेगी। आप मल्टीमीटर के ऊपर भी देख रहे हैं इसकी आउटपुट 0 वोल्ट आ रही, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये 0 वोल्ट आ रही है, ये नॉर्मली NO आउटपुट है। जैसे सेंसर और रिफ्लेक्टर के बीच जो डिटेक्शन जोन है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा उस रेड बीम को कट करेगा, देखिए तो आउटपुट आएगी। जैसे लाइन टेस्ट से हम लोग कट किया है रेड बीम, तो जो आउटपुट 23 पॉइंट समथिंग आ रही है। जैसे ऑब्जेक्ट उठा दिया तो आउटपुट बंद हो जाती है। अभी फिर करेंगे, देखिए आउटपुट आ रही है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो आउटपुट चले जाएगा। अभी हमने इसको लाइट की तरफ सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि आप लाइट की तरफ करने से नॉर्मली NC है, जो आउटपुट जो है 24 वोल्ट जो DC नॉर्मल पे आएगी। अभी सेंसर और रिफ्लेक्टर के बीच जो डिटेक्शन जोन है उसके अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट कोई आएगा तो जो आउटपुट है 0 हो जाएगी। देखिए आप जो आउटपुट है 0 हो गई है, जैसे ही लाइन टेस्टर एज ए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जोन में आया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हटा लेते हैं तो और जो NC आउटपुट हो जाती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसे जो आउटपुट है जो है चली जाती है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स।